हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना। तो आज जो रेसिपी बनाने वाले हैं हम लोग, उसके लिए चाहिए हमें दो टमाटर चाहिए, कच्चे टमाटर चाहिए इसके लिए। और इसके लिए चाहिए हमें सेंग चाहिए, 1/4 कप मैंने सेंग लिया है। अब सेम क्वान्टिटी हम कोकोनट का रखेंगे, 1/4 कप कोकोनट ले देते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ गार्लिक्स लिए हैं, 3 से 4। अब इसमें जिंजर ऐड कर देती हूँ मैं। और इसके लिए हमें चाहिए चिलीज चाहिए, जो कि मैंने 3 चिलीज लिए। आपके पास जो भी ग्रीन चिली हो वो ले सकते हो, हमारे पास यही था तो मैंने ये ऐड लिया मैंने। अब इसका चलिए अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं हम लोग। इसमें हम ऐड करेंगे और कोरिएंडर, ये ऐड कर दिया मैंने कोरिएंडर। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। जो टमाटर मैंने लिया था उसको कट कर लेते हम लोग स्मॉल साइज में। तो ये देख सकते हो आप, मैंने छोटे छोटे स्मॉल साइज के कट कर दिए हैं। ये पेस्ट मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। मैंने पैन में तेल डाल के हीट कर लिया। अब मैं करी लीव्स ऐड कर रही हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटोज, ये मैंने ऐड कर लिया। टमाटो को जल्दी कुक करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। इसको हम 3 से 4 मिनट ऐसे ही कुक करेंगे सॉल्ट डालने के बाद। तो ये टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पेस्ट, जो कोकोनट और सेंग का हमने पेस्ट बना के लिया था वो ऐड कर लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि टमाटो पानी छोड़ता है, तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे पानी। हल्दी तो डाल दो पर बोले नहीं ऐड करना। इसमें अब हम ऐड करेंगे हल्दी। इसको मैंने ढक के कुक कर लिया था 5 मिनट। अब देख सकते हो ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम लोग गैस बंद कर देंगे। चलिए निकाल लेते एक बाउल में। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और आपके फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।